राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन पहले समझने फिर समझे जाने की कोशिश करें। क्या आप अपनी बीमारी का इलाज ऐसे डॉक्टर से करवाना चाहेंगे जो आपकी परेशानी को बिना सुने बिना जाने इलाज करने लगे? नहीं ना। असल में आपको किसी ऐसे डॉक्टर पर ज्यादा विश्वास नहीं होगा जो पहले समस्या को ठीक से ना पहचाने। आमतौर पर हम में यह प्रवृत्ति होती है कि हम तेजी से आगे बढ़ते हैं और अच्छी सलाह देकर चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अक्सर असली समस्या को पहचानने का वक्त नहीं निकाल पाते। हम इतना समय नहीं लगाते कि पहले वास्तव में गहराई से समस्या को समझ लें। जरा गौर करें कि हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मुख्यतः चार प्रकार के संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं। ये है पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, और थोड़ा जोर डालें इन चारों को करने में दिन में कितने घंटे लगते हैं। संप्रेषण या कम्युनिकेशन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। हम जागृत अवस्था में अपनी अधिकांश समय कम्युनिकेशन में बिताते हैं, पर जरा इस पर ध्यान दें कि आपने या किसी ने भी बरसों सीखा है कि कैसे बोला जाता है, पर क्या किसी ने यह सिखाया है कि सुना कैसे जाता है? क्या किसी ने कोई ट्रेनिंग या शिक्षा ली है जो आपको इतनी अच्छी तरह से सुनने की योग्यता देती हो? ऐसा नहीं है ना कि आप सचमुच गहराई से दूसरे व्यक्ति को उसके संदर्भ के मानदंड या उसकी जमीनी हकीकत से उसे समझ सके। वास्तविक रूप से बहुत कम लोगों के पास सुनने का या किसी तरह का प्रशिक्षण होता है, और अगर जिनके पास यह होता भी है उनके ट्रेनिंग या प्रशिक्षण अधिकांशतः तकनीकों से भरे व्यक्तित्व या आधारित नीति शास्त्र पर केंद्रित रहा है, और ऐसे लोगों के ट्रेनिंग में चरित्र तथा आपसी संबंधों की समझ नहीं होती है। अगर हम बहुत गौर करें तो पता चलेगा कि कोई व्यक्ति किसी तकनीक का इस्तेमाल कर अपने सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करना चाहता है, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं छल, कपट और चालबाजी हो रही है, और तब ऐसे व्यक्ति से कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, क्योंकि असली प्रभाव की वास्तविक कुंजी व्यक्ति का अपना उदाहरण या उसका असली व्यवहार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्ति का उदाहरण स्वाभाविक रूप से उसके चरित्र से उत्पन्न होता है। व्यक्ति का चरित्र हमेशा सबके सामने होता है और खुद को संप्रेषित या कम्युनिकेट करता है, जिससे लोगों का विश्वास और अविश्वास का निर्माण होता है। अगर किसी व्यक्ति का आचरण उसके सार्वजनिक आचरण से मेल नहीं खाता है तो ऐसे व्यक्ति के साथ खुल पाना बहुत मुश्किल होता है, और जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के विचार उन्मुक्त रूप से नहीं रखते तब समझ लेना चाहिए कि कम्युनिकेशन गैप आ गया है और आपसी विश्वास की भारी कमी होने लगी है।